तो आज की हमारी इस क्लास में हम बात कर रहे हैं वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग का। अब वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग करता क्या है कैसे है, इस चीज को हम जानते हैं। उससे पहले हम जानते हैं कि वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग आखिर करता क्या है। अब एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मेरे पास मुझे 365 दिन का डेटा डाउनलोड करना है। आपके पास एक काम आया है जो कि 365 दिन के डेटा को डाउनलोड करना है, राइट? तो मुझे इसके लिए 365 शीट्स चाहिए ताकि डेटा को सेग्रीगेट कर सकूं। 365 शीट चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूं अरेंज करना मंथ के हिसाब से। तो मैं चाहूंगा कि एक फोल्डर में मैं बनाऊं 12 फाइल, राइट सर? जनवरी फरवरी मेरे महीने के हिसाब से 12 फाइल। तो वन नंबर डोनेट कर रहा है जनवरी को। जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो क्लिक करते ही इसके अंदर जनवरी में 31 दिन होते हैं। तो देखिए ये हमारे पास 31 शीट्स इसमें जनरेटेड है। अब मैं एक एक करके इसके अंदर अपना जो डेटा है डालता चला जाऊंगा या फिर इसको डालने का भी कोई माइक्रो बनाऊंगा। तो इस काम को अगर मैन्युअली करने जाए, 365 शीट करने क्रिएट करना है 12 फाइलों में, तो दो चीजें होंगी। एक तो टाइम आपको ज्यादा लगेगा पहले, दूसरी आपके दूसरी इसमें ये होगा कि जब आप इसको यूज करेंगे तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या हो कि जब आप इसको यूज करेंगे तो आपका एरर होने की चांसेस, क्योंकि मैनुअल वर्क में एक्यूरेसी नहीं होती है। क्या नहीं होती है? एक्यूरेसी नहीं होती। जब मैनुअल काम करते हैं उसमें एक्यूरेसी बिल्कुल नहीं होती है। तो इसके लिए हम वीवीए प्रोग्रामिंग बनाएंगे। जस्ट एक बटन पे क्लिक करेंगे, क्लिक होते ही सारा काम कर जाएगा। मुझे 500 लोगों को मेल भेजना है, इसके लिए माइक्रो बटन बनाएंगे। मेरे पास एक फोल्डर में 200 डेटा है, उसको अगर मैं एक फाइल में कंबाइन करना चाहता हूँ तो उसके लिए वीवीए प्रोग्रामिंग लगेगा। या आप करना चाहते हैं फुल्ली ऑटोमेटेड काम, आप यूज करते हैं आउटलुक। आप चाहते हैं कि जैसे ही आउटलुक पे में एक मेल आए, मेल आते ही उसमें अंदर अटैचमेंट है, मतलब कि डेटा है, और डेटा को जैसे ही मैं ओपन करूं, ओपन करते मैं मुझे कुछ नहीं करना है, मतलब कि एक मेल आए, मेल आते ही ऑटोमेटिकली उसमें से डेटा फाइल एक्सट्रैक्ट होके एक फोल्डर में चला जाए और ऑटोमेटिकली वो ओपन होके उसके ऊपर रिपोर्ट बन जाए, रिपोर्ट बन के पर्टिकुलर लोकेशन में सेव हो जाए और जिसको इसको भेजना है वो अपने आप चले जाए। मैं मुझे कुछ करने की जरूरत ही ना पड़े, ये सब काम ऑटोमेटेड हो जाए। सब काम क्या हो जाए? ऑटोमेटेड हो जाए, मुझे बिल्कुल करने की जरूरत ना पड़े। अब ऐसे कामों के लिए हम यूज करते हैं वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग। वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग को अगर हम एवलेट करें तो वीवीए विजुअल बेसिक कोड एप्लीकेशन। अब यहाँ एक चीज क्लियर कर लीजिए, वीवीए कोई सॉफ्ट वीवीए के जरिए कोई सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते। आप बनाएंगे माइक्रोज, मैंने कि एक्सेल के अंदर टूल्स जनरेट करेंगे। अब किस तरह के टूल्स होंगे, चलिए हम आपको समझाते हैं। अब जैसे कि अगर हम इसमें बात करें, कुछ एग्जांपल आपको दिखाते हैं। बीबीए का बीबीए टाइप, कुछ फाइल हम आपको दिखाते हैं, एक मिनट, जो आप समझ सके। इसमें ये रहा वीवीए का एक प्रोजेक्ट फाइल है, इसी को ओपन करते हैं। अब जैसे देखिए कि मेरे पास कई सारे शीट्स में डेटा है, राइट? अब मुझे इस सारे शीट्स का डेटा इसके अंदर डालना है। अभी हो सकता है अभी 7 8 शीट है, कल के डेट में हो सकता है 800 हो, 80 हो, तो ऑटोमेटिक डायनेमिक कैसे करेगा? तो यहाँ हम जो है जस्ट सेलेक्ट करेंगे और रन करेंगे। रन करते देखिए कुछ ही सेकेंड से मेरा काम खत्म कर दिया। तो हमने रन क्या किया? हमने रन किया माइक्रो। क्या रन किया? माइक्रो। ये माइक्रो के अंदर होता है क्या? तो माइक्रो के अंदर होता है स्टेप्स।
जो आप मैनुअली काम करते हैं उसकी को हम कोड के रूप में लिख देते हैं। वीपी इसी स्टेप को फॉलो करता है और काम करते चला जाता है। सेम उसी तरह से कि ऑटो पायलट मोड पे डालने के प्लेन अपने आप उड़ता है। ठीक है, तो प्लेन को कैसे उड़ाना है, कितना हाइट रखना है, कितना कितना स्पीड रखना है, किस लैंगिट्यूड पे रखना है, ये चीजें उसके अंदर सेट होती है और उसी हिसाब से प्लेन फ्लाई होता है। सेम वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल की जाती है। तो इसमें एक तो हुआ कि आपको करना पड़ता है, दूसरा अपने आप भी चीजें हो सकती है। जैसे कि आप चाहते हैं 30 दिन बाद मेरा फाइल लॉक हो जाए, 30 दिन बाद क्या हो, मेरा फाइल लॉक हो जाए। या देखिए मैं इस पे जैसे ही क्लिक ये कर्सर रखूं माने तो इसके हिसाब से हो गया। जैसे मान लीजिए मुझे ओम का चार्ट देखना है, जैसे मैं ओम पे कर्सर रखा ये हो गया। अब बोलेंगे से बटन है, नहीं बटन नहीं, एक सेल है। क्या है, सेल है। जब इस पे कर्सर रखते हैं तो आपके सीट वन के अंदर यहाँ देखिए डेटा चेंज हो रहा है और इसके अकॉर्डिंग आपका चेंज हो रहा है। इस तरह की आप ऑन इवेंट चीजें भी कर सकते हो। आप चाहते हो कि मैं कुछ भी टाइप करूं तो टाइप करते ही ऑटोमेटिकली क्या हो, नाम लिखा हुआ आ जाए, या कहीं क्लिक करूं, जैसे यहाँ पे देखिए मैं नाम लिख रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया नाम ओम और एंटर प्रेस किया तो आप देख पा रहे हैं कि जिस डेट को जिस टाइम पे लिखा वो यहाँ अपने आप आ गया। ऐसे वी लुकअप वगैरह भी लगा सकते हो कि वी लुकअप आप वीवीए के अंदर लगा सकते हो कि आप कुछ टाइप करो और अपने आप डेटा लुकअप हो जाए बिना किसी फॉर्म ले। ठीक है, यहाँ देखा सीट के अंदर घुसने के लिए मुझसे पासवर्ड पूछा, जब तक मैंने पासवर्ड नहीं डाला तब तक मुझे अंदर ही नहीं जाने दिया। तो इसको बोला जाता है इवेंट माइक्रो। क्या बोला जाता है, इवेंट माइक्रो। इसके बाद हम बात करते हैं इंटरफेस की। अब जैसे कि मैं चाहता हूं कि सीट पे काम ना हो, सारा काम किस पे हो जाए, बटन्स पे हो जाए, सारा का सारा काम किस पे हो जाए, बटन्स पे हो जाए। तो जैसे हमने यहाँ पे डबल क्लिक करके जैसे मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, ओपन करते आप देखेंगे कि कुछ ही देर में आपका एक्सेल हाइड हो गया सर हाइड, और एक क्या खुल गया, एक खुल गया आपकी डेटा जहां पे आप डेटा इंट्री करेंगे। अब जैसे जैसे हमें यहाँ पे डेटा की एंट्री करता जाऊंगा आप देखेंगे कि डेटा होता जाएगा। सो डेटा पे क्लिक करेंगे तो फिर वापस एक्सेल के फाइल पे आएगा और डेटा इंट्री करने देगा। समझे, तो इस तरह की इंटरफेस तैयार करने के लिए वीवीए की जरूरत पड़ती है। अब क्वेश्चन आता है इस तरह का इंटरफेस चाहिए क्यों। देखिए हम अपना काम को ऑटोमेटेड वैलिडेटेड और स्पीड करने के लिए वीवीए का इस्तेमाल करते हैं। तीनों के बारे में समझिए। ऑटोमेटेड मतलब कि अपने आप काम हो जाए, आपको करना पड़ना पड़े। जैसे कि मैंने बोला कि एक किसी का मेल आया, मेल आते हैं आउटलुक में, मेल आया एक पर्टिकुलर मेल आईडी और सब्जेक्ट लाइन से एक फोल्डर में चला गया, वहाँ से एक फाइल ओपन हो गई और फाइल ओपन होने के बाद ऑटोमेटिकली रिपोर्ट बना, ऑटोमेटिक चल गया, ये आपका क्या हो गया, ऑटोमेशन। या फिर आपने एक फाइल ओपन किया और जिसमें मान लीजिए कि किसी को ड्यू डेट्स है, कल ड्यू डेट है और उसको आज पेमेंट रिमाइंडर का मेल भेजना है। आपके पास मान लीजिए 1500 क्लाइंट्स हैं और 1500 क्लाइंट का बिल का एक ड्यू डेट होता है और ड्यू डेट इससे एक दिन पहले हम लोग उनको पेमेंट रिमाइंडर भेजते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं जस्ट फाइल ओपन करूँ और ऑटोमेटिकली पेमेंट रिमाइंडर का मेल चला जाए, हमें एक एक करके इंडिविजुअली मेल ना करना पड़े और हर हर क्लाइंट को इंडिविजुअल मेल जाए उसके आउटस्टैंडिंग अमाउंट के साथ। तो ये चीज़ आप वीवीए के साथ कर सकते हैं, इसको बोलते हैं ऑटोमेशन। इसमें आपको कुछ करना ना पड़े, अपने आप जो है चला जाए, पहली चीज। दूसरा हमने बताया कि ऑटोमेशंस बोला आपको, हमने बताते हैं वैलिडेशन। वैलिडेशन मतलब कि मुझे जो जहाँ पे करना है, जैसे मान लीजिए कि मैं चाहता हूँ कि मेरा फाइल जो है 1 महीना ही वर्क करे, या मेरा फाइल जो है 10 से 20 के बीच में ना खुले, या मेरा सीट पर्टिकुलर शीट पे ही वर्क हो, या किसी डेट किसी कॉलन के ऊपर जो है ना
एक पर्टिकुलर डेट और टाइम एंट्री हो जाए, या फिर जो मैं चाहूँ वही एंट्री हो, ये आगे रहती है वैलिडेशन, कि आपको काम को वैलिडेट करना है, ठीक है। उसके बाद आती है रिपीटेशंस। रिपीटेशन से मतलब हुआ कि आपको एक ही काम को कई बार करना पड़ रहा है, तो उसके लिए प्रोग्रामिंग बना दो, वो अपने आप कई बार कर देगा, आपको कई बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऑटोमेशन, वैलिडेशंस एंड रिपीटेशंस, तीन चीज़ों के लिए हम वीवीए का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि बगैर वीवीए के भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली मुझे इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो उस टाइम को कम करना। और साथ में एरर 100%, जैसे मान लीजिए कि आपको 1500 लोग में मेल करना है, तो हो सकता है इसका ड्यू डेट नहीं भी था, उसको आपने गलती से भेज दिया, या हो सकता है कि किसी का किसी क्लाइंट को किसी और क्लाइंट का आउट लिस्टिंग अमाउंट भेज दिया, क्योंकि आप ह्यूमंस हैं, एरर कर सकते हैं, पर सिस्टम एरर नहीं करता, सिस्टम गलती नहीं करता। सिस्टम को अगर इनपुट सही मिला तो आउटपुट सही देगा, वो आउटपुट गलत नहीं देगा। वो गलत तभी होगा जब उसका इनपुट गलत होगा। तो वीवीए प्रोग्रामिंग के हम क्या क्या बनाएंगे? तो वीवीए प्रोग्रामिंग से हम बनाएंगे मैक्रोज, बनाएंगे फंक्शन और बनाएंगे यूजर फॉर्म। तो आपने मैंने मैक्रोज की बात की, तो मैक्रोज क्या होता है? अभी जो मैंने आपको बताया कि मेन मेजरली हमारा मैक्रोज ही होता है जो हम बनाते हैं, ऑटो पायलट ट्रिगर की तरह। हम जब मर्जी को रन करें, रन करते ही उसके अंदर जो भी कोड डाला है वो लिखते हैं। मेरा जब मर्जी तब मन करे, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, जब सिस्टम में कुछ ऐसा इवेंट क्रिएट हो तो मैक्रो हो, तो उसके लिए हमें यूज करते हैं इवेंट मैक्रो। तो मैक्रो दो तरह के होते हैं, पहला आपका मैक्रो, दूसरा इवेंट मैक्रो। और भी डिटेल में आपको आगे क्लास में पढ़ाऊंगा। फिर आता है फंक्शन, मतलब फॉर्मूला। आप अपने हिसाब से वी लुकअप, एच लुकअप जो है ना, इस तरह के हिसाब से अपना खुद का फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा यूजर फॉर्म। यूजर फॉर्म मतलब क्या बोलते हैं उसको, यूजर इंटरफेस, मतलब जैसे पॉपअप। जैसे हम अपने फॉर्मेट सेल पे क्लिक करते हैं, तो फॉर्मेट सेल का पॉपअप खुल के आता है। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिस ऑप्शन को सेलेक्ट करके अप्लाई करके ओके करते हो, उसी हिसाब से अप्लाई होता है। या पिवट लगाते हो, तो पिवट लगाते ही पिवट का एक पॉपअप आता है, जो सेलेक्ट करते ओके करते उसी हिसाब से पिवट लगता है। सेम उसी तरह से अगर आपको किसी तरह का डेटा एंट्री करनी हो, किसी तरह का इवेंट करना हो, तो आप जब उसको रन करेंगे तो देखिए यहाँ पे, देखिए ये आपका यूजर फॉर्म आ गया। तो मतलब कि मैं अगर यहाँ पे आऊँ, अपने डेटा पे आऊँ, मुझे डेटा में कुछ करना है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो पॉपअप आएगा, और पॉपअप में जो चीज़ें डालूंगा वही, जैसे देख रहे हैं ऑटोमेटिक आईडी क्रिएट हो गई, ऑटोमेटिक डेट शो हो रहा है, और यहाँ पे टोटल भी ऑटोमेटिक हो जाएगा, सेव करते ही डेटा यहाँ एक के नीचे ऐड हो जाएगा। तो ये इसको कहा जाता है यूजर फॉर्म, मतलब कि आप एक इंटरफेस या पॉपअप कह सकते हैं, कि पॉपअप क्रिएट कर सकते हैं, किसकी मदद से? आप यूज कर सकते हैं वीवीए के, यूजर फॉर्म। तो वीवीए के मेनली तीन पार्ट होते हैं। अब बात करते हैं कि वीवीए का इस्तेमाल हम कब करते हैं और क्यों करते हैं। देखिए वीवीए का इस्तेमाल करने के पीछे रीजन है, पहला रिपीटेड जॉब, ऐसा काम जब आपको बार बार करना। मान लीजिए कि आपको बॉस ने बोला कि भाई एक समरी बना के दे दो, और बॉस ने इसको पहली बार बोला, इन फ्यूचर में पूछेगा चाहे नहीं भी पूछेगा, अब उसके लिए आप समरी क्रिएट करने लगे वीवीए के थ्रू, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि किसी भी प्रोग्रामिंग को करने के लिए पहले एनालिसिस करना पड़ता है, फिर एल्गोरिथम, फिर उसकी एल्गो निकालनी पड़ती है, इसको बोलते हैं स्टेप्स, फिर उसकी कोडिंग करनी होती है, फिर टेस्टिंग, फिर एरर आया तो उसको रिकोड, रीटेस्ट, और फिर उसको अप्लाई करना। हम एक ऑटोमेशन तैयार करते हैं, इसमें लगेगा टाइम। तो पहले आप ये देखें कि जो काम आपको मिला है वो वीवी, पहले देखते हैं रिपीटेशन कि क्या वो रिपीट होने वाला है, क्या उसमें नॉर्मल से ज्यादा टाइम लगने वाला है, तो इस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं लगाना। मतलब कि वीवी प्रोग्रामिंग में आपको आधा घंटा लगेगा, नॉर्मल उसको आप 5 मिनट में 10 मिनट में कर लोगे, तो आधा घंटा क्यों वेस्ट करोगे? लेकिन हाँ, आधा 10 मिनट आपको हर दिन लगता है या दिन में कई बार लगता है, तो आधा से 1 घंटा एक बार देके आप उस चीज को ऑटोमेट कर देंगे, ठीक है।
तो पहली सिचुएशन आती है रिपीटेड वर्क, ऐसा काम जिसको बार बार आपको करना हो, उसके लिए हम VBA प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा आता है रिपीटेड जॉब, ऐसा काम जो एक बार आया, जस्ट एक बार आया, इन फ्यूचर में कभी नहीं आया, लेकिन वो इतना लेंदी है, इतना लेंदी है कि आप अगर मैनुअल करने जाएंगे तो आपको कई बहुत सारा टाइम लग जाएगा, हो सकता है कई दिन लग जाए, तो उस केस में क्या करें? तो उस केस में हम वीबीए प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करें। कभी कभी छोटी छोटी चीजें होती है जिसके लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है। अब इसका एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं, और एक बार मैं एक डेटा इंटरनेट से कॉपी कर रहा हूं, मान लीजिए कॉपी करने के बाद आया और मैंने इसको एक एक्सेल शीट पे इसको हम पेस्ट कर देते, ये क्या हो गया, एक मिनट, इस पे लिंक था, लिंक नहीं है, एक मिनट, एक डेटा क्रिएट करने दीजिए। चलिए मुझे इस तरह का एक डेटा मिला है जिसके ऊपर हाइपरलिंक लगा है, ठीक है, और हाइपरलिंक जो लगा है इसमें, अब जैसे ebuy.com है, तो ये यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है, ebuy भी हो सकता है। अब ebuy.com है, .in है, क्या है पता नहीं चल रहा है, पता चल रहा है सर? हेलो, पता नहीं चल रहा। तो अब इसका जो हाइपर लिंक है ना, इसके ऊपर जो हाइपर लिंक है, मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल क्रिएट किया मैंने आपके लिए, इसके अंदर जो हाइपर लिंक है ना, हाइपर लिंक में एग्जैक्ट क्या है, एग्जैक्ट एड्रेस है, समझे? ये तो फॉर्मूला है, लेकिन मान लीजिए ऐसा एग्जाम्पल के तौर पर, वो एग्जैक्ट डेटा मिला नहीं है इसलिए बोल रहा हूँ, या गूगल हो सकता है, odoo.com हो सकता है, तो मान लीजिए कि पूरा पाथ नहीं है, क्या नहीं है, पूरा पाथ नहीं है, तो ऐसे आपके पास हजारों डेटा लिंक मिले हुए हैं। अब मुझे इस कार हाइपर लिंक मुझे चाहिए, यहाँ पे एग्जैक्ट लिंक एड्रेस चाहिए, तो एग्जैक्ट लिंक एड्रेस हम कैसे निकालें, क्योंकि अगर यहाँ पे हम ये करें, इसको निकालने का तरीका है कि इसके ऊपर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ जाएंगे, करेंगे एडिट हाइपर लिंक या ओपन हाइपर लिंक, और फिर जाके उसका लिंक एड्रेस आएगा, ठीक है? तो इसके लिए हम यहाँ पे सिंपल जाते हैं, कहाँ पे, डेवलपर विजुअल बेसिक, और यहाँ हम एक फॉर्मूला बना लेते हैं, कौन सा, book 43, यहाँ हम करते हैं इंसर्ट मॉड्यूल, और मैंने यहाँ फॉर्मूला बना दिया कि फंक्शन, फंक्शन में दिया URL, और यहाँ पे हमने बोला n एज अ रेंज, और सिंपल सा हमने यहाँ पे URL इक्वल टू n डॉट हाइपर लिंक या 1 डॉट एड्रेस, और यहाँ हम आके जस्ट URL का फॉर्मूला लगा देंगे। ये आउट ऑफ द मेमोरी क्यों हो रहा है? सॉरी, ये आउट ऑफ द मेमोरी का एरर दे रहा है, क्योंकि मैंने
सुबह से 43 44 फाइलें खोल दी है, देख रहा है फुट थ्री है, और वो बेसिकली मैंने एक्सेल की एप्लीकेशन को रीस्टार्ट नहीं किया और सारे फाइल लिस्ट यहाँ पे दिख रहा है ना, इसलिए आउट ऑफ मेमोरी। इस तरह के एक लाइन के फंक्शन हम बना लेंगे और फंक्शन बनाने के साथ साथ आपका ऑटोमेटिकली वर्क कर जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम जो यूज करते हैं एक्सेल, उसके अंदर जो है हम रिपीटेड जॉब को लेते हैं या लेंदी काम को, ऐसा काम जो बार बार करना है, लेकिन ऐसा काम जो बार बार करना है लेकिन आया वन टाइम है, तो उस केस में हम यूज करते हैं वीवी मार्कअप प्रोग्रामिंग। दूसरा किसके लिए करेंगे, देखिए आप अपने लिए करना है तो वीवी प्रोग्रामिंग को धड़ल्ले से इस्तेमाल करें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप किसी और के लिए कर रहे हैं तो थोड़ा सा बेरुखी है। क्यों? क्योंकि हर किसी की माइक्रो सिक्योरिटी यहाँ डिसेबल होती है, ऊपर दिख रहा है डिसेबल, डिसेबल होता है मतलब जैसे ही माइक्रो फाइल खुलेगा उसको पॉपअप देगा अनेबल माइक्रो। अब जब तक वो अनेबल माइक्रो पे क्लिक नहीं कर लेता तब तक वो माइक्रो वर्क नहीं करेगा। अब प्रॉब्लम हुआ कि 100 200 लोगों को आपने बुला लिया है, मैंने मेल कर दिया है, और सब में उसमें से 30 40 ऐसे लोग हैं जिनको वीवीए के बारे में पता ही नहीं है, वो तो आपको परेशान करेंगे, फिर क्या परेशान करेंगे ना सर आपको। तो वहां पे आपको बचना है, वहां पे आपको जो है वीवी इस्तेमाल करने से पहले बचना है, राइट सर। अब बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ द लर्निंग वीवी। अगर आप वीवीए सीखना चाहते हैं तो आपको क्या प्रिपरेशन करनी पड़ेगी? देखिए जब आप वीवी इस्तेमाल अगर आप करते हो तो आपको प्रिपरेशन के तौर पे आपको जो है सबसे पहले आपको प्रैक्टिस के लिए टाइम होना चाहिए। अगर प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं है तो वीवी सीखना आपके लिए व्यर्थ होगा। ठीक है, दूसरा आता है आपको प्रैक्टिस। दिन में आपको 1.5 से 2 घंटा प्रैक्टिस करनी है। एक्सेल की नॉलेज अच्छी खासी होनी चाहिए, उसके अलावा आपके पास जो है एक आर्टिकल मैं दे रहा हूँ पढ़ने के लिए, आप ये आर्टिकल बेसिकली सबको देता हूँ। अब मेरा ये मेरा वेबसाइट नहीं है, आर्टिकल है excel-vva.com, excel-vva.com, इसके 33 चैप्टर्स हैं। अब इस चैप्टर को एक बार आप अपने हिसाब से रीड कर लें, ठीक है सर, ये आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर देगा। तो आज जो है इस वेबसाइट को स्टडी कर लीजिए, कल जो है हम आपके साथ वीवी माइक्रो प्रोग्रामिंग की पहली क्लास शुरू करेंगे। आज मैंने जैसे इंट्रोडक्शन दिया है और थ्योरिकल पार्ट बताया, कल से हम कोडिंग के बारे में आपको बताना शुरू कर देंगे। आप 3 4 दिन ज्वाइन करके देख लें, समझ में आता है तो आगे जो है हम प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो कल इसी समय आपको यही जो लिंक भेजा, लिंक सेम रहेगा, और इस लिंक पे हम कल जो है आपके साथ